मैंने कह दिया है वो आ रही है। अच्छा आपको कुछ और चाहिए? शुक्रिया बुआ। जी मैं बीबी आओ बैठो रुमै सर, मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए तुम्हें बुलाया है। देखो रोमैसा, मेरे बाद तुम इस घर की बड़ी होगी और इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बड़ी आपा का और तुम्हारा मिजाज एक है, शायद इसलिए जब तुम गलती करती हो मैं माफ कर देती हूँ। मैंने किया क्या है जो मुझे माफिया मिलती रहती है? और मुझे भी कहाँ माफी मिलती है, सब तो नाराज है मुझसे। तुमसे कोई नाराज नहीं है, मुझे लगता है तुम अपने आप से नाराज रहती हो। मुझे तो डर लगता है कि मेरे जाने के बाद जब तुम्हारे हाथ में इस घर की बागडोर होगी तो क्या होगा। तुम्हें एमन के लिए अपने दिल में जगह बनानी होगी रुमैसा। सबके दिल में जगह है उसके लिए, अरमान के भी। अच्छा खामोश रहो, खुदा का खौफ करो। अभी बच्ची की इद्दत पूरी हुई है, वो मासूम तो कुछ जानती भी नहीं इसके बारे में। और ऐसा जुल्म मत करना उस पे, उसको ऐसा कुछ बोल मत देना तुम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है और मैं फर्ज निभा रही हूँ। तुम लाख हमें अपना दुश्मन समझो, ऐसा है नहीं। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। मुझे लग रहा है कि इस ट्रस्ट के काम में, विमेंस होम के काम में हम दोनों अपना आप ही भूलते जा रहे हैं। और मैं तुम्हें इन सब चीजों के बीच में खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त हम दोनों का भी हो। और मुझे लगा कि पता नहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं। बस एक लफ्ज भी नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसी हो तुम? तुम्हारी खैरियत पूछने को फोन किया था। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और बाबा? आज तुम्हारे बाबा ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? वो दरअसल आज अपना दफ्तर बंद कर कर आए। ऑफिस बंद कर दिया? चुपचाप अपने कमरे में बैठे। अच्छा ये बताओ तुम घर कब आओगी? बीबी कह रही थी कि परसों चली जाना, तो मैं एक दिन और रुक जाऊं। हाँ बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। मामा को अपनी बेटी की याद आ रही थी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, जीती रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरमान ऑफिस से जल्दी आ गए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर। क्यों तो तुम यहाँ पे रुक रही हो ना? नहीं बस अब वही मेरा घर है। अच्छा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इधर बैठो। अरमान अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मना तो नहीं करोगे? बोलो क्या चाहिए।
मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बीबी, इस घर में जब भी कोई मसला होता है तो यहाँ बैठ के बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी इस मसले का हल ढूंढ ही लूँ। अब ऐसा कौन सा मसला हो गया जिसका हल तलाश कर रही हो तुम? मैं तो पहले दिन से आप लोगों को ये कह रही थी कि वो लड़की बाहर की पैदावार है, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की सोच। कहना क्या चाह रही हो, पॉइंट पे आओ। पॉइंट ये है कि मियाँ को मरे जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और वो अपनी अगली शादी के बारे में सोच रही है। भाभी प्लीज, खुदा का खौफ करें। तुम तो चुप रहो राबिया, तुम्हारा तो एक अपना रिश्ता आया था उमर के मरने के बाद, और अब खैर मेरा मुंह ना खुलवाओ। बेहतर है कि बात ना करो उसके बारे में। बताओ एमन ने क्या किया है? किस मोहब्बत की दास्तान लिखी जा रही थी कल रात? किस बात और क्या साथ वो मांग रही थी तुमसे? अल्लाह का खौफ करें, इद्दत पूरे हुए टाइम ही कितना गुजरा है कि वो अरमान का साथ मांगने चली? आप बताएं बीबी, ये सही तरीका है? आपने बोल लिया जो बोलना था, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ, ये बात सच है कि वो मुझसे मेरा साथ चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। साथ मांगने का क्या मतलब है? हम्म, बोलो। दादी, ये बात सच है कि वो मुझसे मेरा साथ चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादी के केस के लिए। वो चाहती है जल्द से जल्द शादी का केस खुले और आगे बढ़े, बस। क्यों बात का पतंगड़ बनाती हो बात की तह पे पहुंचने से पहले? कमाल है रुमैसा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बेटा, और यूं हाथ धो के पीछे पड़ जाना उस बच्ची के मुनासिब नहीं है। बेटा वही करो जो तुम्हारी समझ में आता है, अपनी मां की बातों में ध्यान मत दो ज्यादा। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कब आए बेटा सुबह? जी, अरमान ने ड्रॉप किया था। तबीयत कैसी? ठीक है। डॉक्टर कब जाना है? कल या परसों, वो अरमान को पता है कब है अपॉइंटमेंट। ओके बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बात करनी है तो बैठ के बात करते हैं। हाँ, जी बोलो, क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कि आपसे कहूंगी तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। मैं एक ही एक मेरी बेटी है, अगर मैं उससे नाराज हो गया तो कहाँ जाऊंगा? बोलो क्या बात। आपने ट्रस्ट क्यों बंद कर दिया? तो तुम्हारी मामा ने तुम्हें बता दिया? बेटा सच्ची बात ये कि अब इस ट्रस्ट को चलाने की हिम्मत नहीं रही मुझे। शादी आया था ना तो उसने मुझसे कहा कि बाबा इस ट्रस्ट को चलाने में अब मैं आपका साथ दूंगा। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी आइडियालॉजी, मेरे ख्यालात, मेरी ख्वाहिशात इस मुल्क के सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की जो मेरी एस्पिरेशंस हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, और मैं जो इस मुआशरे को बदलने का ख्वाब देख रहा हूँ, मैं जो गरीब और मजलूम को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसमें हम कामयाब होंगे और लड़ाई जिंदा रहेगी। जब शादी नहीं रहा तो फिर इस टेस्ट का क्या करना?
हिम्मत नहीं रही बेटा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा और शादी का मुझसे निर्णय ही हो, मेरे ही उसूलों की वजह से वो अपनी जान से गया। नहीं बेटा नहीं, अब हिम्मत नहीं है। अब ट्रस्ट के दफ्तर को ताले ही लगे रहे तो बेहतर। चाची। हाँ अरमान आ जाओ। I'm sorry, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा। किस बात का सॉरी? आप क्यों नहीं बोलती हैं कुछ? अरमान, जब से उमर की डेथ हुई है ना, मुझे लगता है मैंने अपनी खुशियाँ, अपनी जबान, अपना दिल सबको चुप कर दिया है, शायद रिवाज की वजह से। रिवाज की वजह से नहीं, आपने खुद किया है सब कुछ, खुद गला घोटा आपने इन सब चीज़ों का। और किसके लिए? अपने लिए तो किया नहीं है, घर वालों के लिए। मैं नहीं मानता ऐसे रिवाजों असूलों को। तो तुम्हें लगता है जो मैंने अपने साथ किया है वो गलत किया है? तो फिर तुम ना करना। अगर एमन ने तुम्हारा साथ सिर्फ केस के लिए मांगा है तो उस साथ को हमेशा के लिए कर लो, ताकि सालों बाद तुम्हारा कोई बच्चा आके तुमसे ये ना कहेगे, शायद तुम्हारे उसूलों की वजह से तुमने अपनी खुशियां खत्म कर दी। बहुत मजे का खाना लग रहा है। मजा आ गया। गरम गरम खाओ। रोटी लूंगा। वैसे पराठा आपका फेवरेट है। बाद में। बीबी अगर आप माइंड ना करें तो मेरे ख्याल से मैं अपने कमरे में खाना ज्यादा सुकून से खा सकूंगी। अब ये भी मेरी गलती है कि वो उठ के चली गई। सुबह जो तुमने किया बस वो काफी है, अब बात को खत्म करो। मैं क्या खत्म करूं? उठ के तो वो गई है। क्या हो गया तुमको? क्यों बात को बढ़ाती हो इतना? बस कर दो। बस सलमान, तुम तो खामोश हो जाओ ना। खाना तो खामोशी से, चैन से खा लो भाई। ऐसे करें कि आप उसे वापस बुला लें, मैं चली जाती हूँ। लाडली तो वो आप लोगों की है ना। मैं आज एक ख़ास मकसद के तहत आया हूँ रजा भाई, यहाँ के अरमान कुछ बात करना चाह रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा यहीं आके कर लेता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बाबा बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात मेरी और एमन की। हम दोनों चाहते हैं कि शादी का केस यहाँ से आके हम दोनों खुद देखें। बड़े डैडी, मैं खुद आपसे बात करना चाह रही थी इस बारे में, लेकिन मैं डरी थी कि पता नहीं आपको ना बुरा ना लगे। बेटा इसमें बुरा लगने की क्या बात है, मगर ये बात तो तुम लोगों को रजा भाई से करनी चाहिए ना। मेरी खुशी तो उसी में है जिसमें तुम लोगों की खुशी है। बाबा नहीं, नहीं ये नामुमकिन है। लेकिन बाबा
देखो अमर बेटा, मैं ये बात बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। पुलिस अगर अपने तौर पे इस केस को किसी तरह हल कर देती है तो अलग बात है, लेकिन मैं स्पेशली अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे भी एसपी साहब को कुछ नए सबूत मिले हैं। एक मोबाइल मिला है जिसमें शादी की तस्वीरें वगैरह हैं। आई होप वो कामयाब हो जाएंगे। एक्चुअली बेटा, शादी के बाद मैं जैसे टूट गया हूं, वैसे भी अल्लाह बड़ा कारसाज है। जब कोई अमानत वापस लेता है तो पीछे रह जाने वालों को कोई आसरा, कोई उम्मीद जरूर देता है। शादी की आने वाली औलाद ही मेरी उम्मीद में आसरा है। मैं इमन को, शादी की औलाद को और अरमान को किसी किस्म के रिस्क में नहीं डाल सकता। ये औलाद ही तो मेरा सब कुछ है। वैसे भी इस मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि यहां कभी किसी को कातिल नहीं मिले, और अगर पता चल भी जाए तो मकतूल के पीछे रह जाने वालों की जिंदगी मौत से बदतर कर देते हैं वो लोग। मैंने शादी का मामला और उसका इंसाफ अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। तुम लोग भी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जो बात हम उस दिन कर रहे थे उसको पूरा करना तो जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। और अगर कहीं आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि वो बात गलत है तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से ये जगह मुनासिब नहीं है इस गुफ्तगू के लिए। इस बात का तायुन कौन करता है कि कौन सी जगह मुनासिब है और कौन सी नहीं? लोग करते हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग कुछ बात करें या कोई उंगली उठाएं मुझ पे। तो फिर आपको ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ लोग उंगली ना उठाएं और वहाँ पर ये बात कर सकें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। किताबें खरीदी जा रही? बस थोड़ी सी। थैंक यू। बुरे नहीं है हुसैन अंकल। और जो कह रहे थे वो भी ठीक ही कह रहे थे। ज्यादा नहीं बात करो इस वक्त प्लीज फरियाद। क्यों ना ज्यादा बात करो, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी लेकिन आपको जरूर बोलूंगी, क्योंकि आपके लिए यही सही। वालेकुम सलाम, कहाँ जा रहे हो? एवन को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसका चेकअप करवाना है।
क्या सोच रही हो? तुमने सुना था जो बाबा ने कहा था? एसपी के मोबाइल में शादी की तस्वीर है। उन्हें सोचना भी मत, देखने का है। मैं सोच चुकी हूँ। हेमंत, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। अरमान प्लीज। लंच पे तुमने मना कर दिया था, अब चाय के साथ तो कुछ ढंग से खाओ पियो भाई। ये तुम्हारी खाने पिलाने की आदत ना, तुमने तो हर जगह आना जाना ही छोड़ दिया है। ये बात सही नहीं लगती मुझे। क्या करूं, दिल ही नहीं चाहता निकलने को, किसी से बात करने को। मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात सही नहीं रहे हैं, लेकिन तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो, मैं तो तुम्हारी हिम्मत की मिसालें देती हूँ। अब तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, एमन के लिए, उसके आने वाले के लिए। हाँ सही कह रही हो, बस उसी का सोच के तो मैं जिंदा रहती हूँ। मैं एमन को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमसे एक बात करनी थी सुहाना। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें उनसे पूछना पड़ रहा है? बहुत दिन से सोच रही हूँ सुहाना, लेकिन बस मुनासिब नहीं समझा, आज सोचा बात कर ही लूँ। बोलो। असल में हुसैन के बारे में बात करनी थी। तुम तो जानती हो उसकी बीवी का अचानक इंतकाल हो गया और वो तो बिल्कुल ही अकेला हो गया। उसके लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बस उसका क्या है, घर दफ्तर बेटी। खुल के बात करो, क्या है? मैं सोच रही थी राबिया और हुसैन, हुसैन उसको पसंद भी करता है। देखो सुहाना, बुरा मत मानना, तुम मेरी दोस्त से बढ़कर बहनों की तरह हो बिल्कुल। और फिर देखो राबिया की उम्र ही क्या है, 30 साल की उम्र में तो बेचारी बेवा हो गई, 40-42 साल उम्र ही क्या है। और राबिया और हुसैन का जोड़ भी है ना। राबिया मानेगी और ना सलमान। राबिया भी शायद सलमान की वजह से ना माने। वो जानती है सलमान घर का बड़ा है और उसके इजाजत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कभी राबिया से किसी ने पूछा है कि उसको तन्हाई कैसी लगती है? वैसे सुहाना, अगर ना भी करोगी तो ये हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सोच समझ कर फैसला करना, कोई बुराई नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। जितरो क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। एमन, ये मल्टीविटामिन रोज़ खाने। अच्छा तुम खाना खा के जाओगे? नहीं मामा, मैं निकलूंगा, मेरी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। 5 दिन बाद मैं फिर से एमन को लेके जाऊंगा, अपॉइंटमेंट है। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। नहीं नहीं मामा, खाने के बाद। अच्छा जूस ला दूं? नहीं, बस आपके पास बैठ रहे हैं। थक गई होगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम मुझे इग्नोर करोगी और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, बर्दाश्त नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे और कहीं चला जाऊंगा दूर, फिर तुम खुद आओगी मुझे मनाने के लिए। ऐसे एक बात बताओ, ऐसा कुछ नहीं होगा? होना भी नहीं चाहिए। पता नहीं, होना नहीं होगा। पढ़ लूं बुक? क्या करोगी, छोड़ो, बातें करो मुझसे। कहां लेके
चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वो ही पीपल छैया। ख्याल में अभी इनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये तस्वीरें ना दिखाएं तो अच्छा है। एसपी साहब प्लीज। ठीक है एमन, मैंने मना भी किया था कि नहीं ये तस्वीरें ना दिखाएं इस हालत में। एमन क्या हालत खराब हो रही है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। चल एमन, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। तलाक क्या हुआ भाई? अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अरे अभी तो चेकअप करवाया था उसने। नानी बस आइए आप बैठे बैठे आप बैठे, बस सब ठीक हो जाएगा। दो तीन घंटे तो हो गए। सर मुबारक हो, बेटा हुआ है। अहमद कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। मुबारक हो बहुत। मुबारक हो आपको भी रजा भाई। मत रो मेरी जान, मत रो। देखो तपस्या बाबा, देखो हेमन ऐसे मत रो। शादी अभी भी यहीं कहीं होगा तुम्हारे आसपास, तुम्हें देख रहा होगा, बहुत खुश होगा इसको देख के, और तुम ऐसे रोगी तो उसको बहुत दुख होगा। और तुम प्लीज इसके लिए फिक्रमंद मत हो, ये मेरी जिम्मेदारी है।
राबे चाची, एक बात को तो मानेंगे? बिल्कुल। इसका नाम आप रखे। मैं? नहीं बेटा, तुम ही डिसाइड। मामा भी तो नहीं है, मामा होती तो उनसे यही कहती। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसका नाम रखेंगे। रोहन, हसास, रहमदिल, हमेशा दूसरों का सोचने वाला, बिल्कुल अपने बाप की तरह। प्यारा, तुम्हारी तरह। रोहन सादी। अरमान, बाबा को बताया तो नहीं कि मैंने वो तुम पागल हो गई हो? और अगर आज कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, और अब अपने आप को कुछ होने भी नहीं दूंगी मैं। वो तस्वीरें देख के ना बहुत दिल में दर्द हुआ मेरे। पता नहीं क्या क्या किया होगा उन्होंने शादी के साथ। अब तो मेरा एक ही मकसद है, शादी को इंसाफ दिलवाना। पता नहीं क्या बैर है तुम्हें अमन से। उसके बच्चे की मुबारकबाद तो दे दी होती। मुझसे किसी ने पूछा, सब चले गए अस्पताल। अब ख्याल आ रहा है आपको? क्या मतलब, मैंने तुम्हें फोन तो किया था, डायरेक्ट आ जाती वहां पे। हर चीज को मसला बनाना जरूरी है क्या? मसला बनाना नहीं, मसला है, क्योंकि आप मेरे पीछे पड़े हैं। एक इंसान एक आंख निभाता मुझे तो मेरी मर्जी ना। आप भी तो मेरे बहन और बहनों ही से नहीं मिलते, मैं आपके पीछे पड़ती हूँ? हल बुलाकवत, कहाँ की बात कहाँ मिला देती हो। मैं नहीं मिलता उनसे या वो लोग मुझसे नहीं मिलते। अच्छा, मुझे बहस नहीं करनी। बहस नहीं करनी? बहस मुझे भी नहीं करनी, मगर महज इसलिए कर लेता हूँ कि कम से कम इससे तुम्हारा मेरा ताल्लुक तो कायम रहता है। तो क्या आपका और मेरा ताल्लुक बस इतना ही है? इतना सा होता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बात आखिर कब तक चलेगी। ऐमन इस घर की बच्ची है, आप बीबी के बाद सबसे बड़ी हैं यहाँ की, कैसे चलेगा आखिर? उसका घर वो है जहाँ वो है तो कोई मसला नहीं, और बेहतर यही है कि इस घर को उसका घर वापस ना बनाए, ना आप ना अरमान। ओ मेरा बेबी, अल्लाह की जान। फरियाद, क्या जरूरत थी था सब कुछ लाने की? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। फजूल बातों का मैं जवाब नहीं देती। अच्छा, अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताती। हुसैन अंकल है ना? रबाब आंटी के बेटे। वो ही हुसैन अंकल। तुम्हें पता है हुसैन अंकल राबिया चची को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन राबिया चची अपनी लाइफ की विलन बनी हुई है। मैं उनसे बात करूंगी। पागल हो, मार डालेंगी मुझे। नहीं कुछ कहती, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे अगर कुछ बोला ना उन्होंने। बैठो बैठो उधर बैठो। तुमने खाना खाया? हेलो, प्यारा है? बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो रहे हो कि उठ रहे हो? सो रहा। Mm-hmm.
आज सुबह ही सुबह कोई गुनगुना रहा है। खैर तो है भाभी, जब आप जानती हैं मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती, आप मुझे तंग करने पे क्यों बसे थे? ये जानने के लिए कि जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जो पुराने रिश्तों से बात खत्म करना इतना आसान हो गया है? ये सवाल आप अपने आप से करें। भाई मैं तो शुरू से ऐसी थी, पर तुमने बात बंद की। औरत का दिल जब बदलता है ना तो उसकी चाल उसके दिल का हाल बता देती है। हुसैन दिल में घर बना रहा है तो इतनी हिम्मत जमा कर लो कि घर में अपने भाई साहब को ये बात बता सको।